कुंड क्षेत्र के सुराना में इंद्र मेघवाल प्रकरण को लेकर आज जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज जी पारासर मृतक के घर पहुंचे हैं और 20 लाख की राशि का चेक भी सौंपा है। हमारे साथ है पुखराज जी पारासर, हम उनसे बात करेंगे। जी पुखराज जी, बताएं आज आप यहाँ पधारे हैं। देखिए, हम पहले भी हमारे साथ रूपाराम जी मेघवाल जो जैसलमेर के हमारे विधायक हैं, रामलाल जी मेघवाल, भंवर जी प्रधान और सभी हम कांग्रेस के सभी जो नेता हैं वो सब यहाँ आए हैं। पहले भी हम दो बार यहाँ आके गए हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सारे मंत्रीगण सभी आए हैं यहाँ पर। और उस दिन इनके परिवार वालों से, देवाराम जी से, पोलाराम जी से बात हुई थी और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से इन्होंने जो भी अपनी मांगे रखी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचाई और मुख्यमंत्री जी ने इनकी भावना के अनुसार जिस तरह के जो फैसले कर सकते थे, रूपाराम जी हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और मेघवाल समाज के हमारे प्रसाद रहता है हमारे, और उन्होंने जो भी हमको सुझाव दिया, परिवार वालों से बात की, तो जो भी फैसले हुए उसी अनुरूप जो बात हुई थी 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री लिप फंड्स में से ट्रांसफ़र हो गए थे, 8.25 लाख रुपए की बात हुई एस सी एस टी एक्ट के तहत उनको जो मिलने हैं, और 20 लाख रुपए का चेक देने की बात हुई थी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के निर्देश से हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी, वो हम आज पार्टी की तरफ से जो भी था सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अभी और परिवार की क्या मांग है? अभी परिवार की आपके सामने बात हुई है, अब जो जो बातें इन्होंने कही उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और हमने पूरा उनको बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि हम उनके साथ खड़े हैं और सरकार उनके साथ में पूरी तरह से न्याय करेगी। ये से पुखराज जी पारासर ने बताया कि हमने आज 20 लाख की राशि का चेक सौंपा है, इससे पहले मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की राशि का भी चेक सौंपा था। वहीं परिवार की जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, हम परिवार के साथ हैं। कैमरामैन एस आर सुतार के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साइला जालौर। अभी सुराना गाँव में पोलाराम जी की जानी अपन बैठे हैं, पोलाराम जी का पोता, देवाराम जी का लड़का इंद्र कुमार, जघन्य अपराध हुआ, जिसने अपराधी है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और राज्य सरकार के सख्त निर्देश है और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है क्राइम ब्रांच से। तो पहली इनकी मांग थी कि जिन्होंने गुगर दोष के हमारे बच्चे को ख़त्म किया उसको सजा होनी चाहिए। तो ये मिनिमम टाइम के अंदर राज्य सरकार के निर्देश है, इसका पूरी जाँच होके चालान होगा। कोर्ट में भी कई बार लंबा समय लगता है, केस ज़्यादा है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक पे लेके कम से कम में सजा दिलाएंगे। ये परिवार से बात हुई, परिवार को आश्वासित किया, इसमें सरकार मतलब उसमें पूर्णतया बाध्य रहेगी, कराएंगे। दूसरा एक इंद्र जो ख़त्म हुआ वो 9 वर्ष का था, वो 15-20 वर्ष बाद मोटा अफसर बन सकता था, व्यवसायी बन सकता था। आदमी की कीमत पैसा में नहीं आके जाती, अरबों रुपये में भी नहीं, पर ये जो परिवार पर एकदम पहाड़ टूटा है, अभी कम से कम दिवाली तक बैठक में बैठेंगे, काम धंधे बंद होंगे। तो सरकार ने पहले पूरी कमेटी भेजी जिसके अंदर 4 मिनिस्टर आए, पारासर जी सहित 5 मिनिस्टर हो गए, आपके लोकल मिनिस्टर है, और हम MLA आए और सबके सामने परिवार से बात करके और मुख्यमंत्री से बात की। तो उन्होंने पार्टी फंड में से, क्योंकि कांग्रेस का राज है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, सोनिया जी, राहुल जी से बात करके और 20 लाख और एडिशनल इनको आंशिक सहायता, ये नहीं कैसे उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, मालिक भी नहीं कर सकता, तो वो है जो अभी चेक सुपुर्द करने आए थे, चेक इनके परिवारजनों को देना। इसके अलावा देवाराम जी के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का जिम्मा पूरा सरकार का रहेगा, इस समय प्रक्रियाधीन है। इनकी सुरक्षा के लिए चौकी स्थापित कर दी गई है और इसको इनकी मांग पे जब तक ये कहेंगे तब ना परमानेंट भी करा देंगे चौकी, ये भी सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी। कुछ चीज़ें और भी जो इनकी मांगे हैं उन सब पे पूर्ण क्या ध्यान दिया जाएगा।